हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ द्वारा 2015 को आधार मानकर पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी करने के निर्देश के बाद रविवार को जनपद के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतरिम सूची जारी कर दी गई है, जिसे विकास भवन में चस्पा किया गया है। इसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि रविवार की पंचायत चुनाव की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। आरक्षण सूची पर 23 मार्च तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। 24 और 25 को आपत्तियों का निस्तारण कर 26 मार्च को सूची शासन को भेज दी जाएगी तथा 27 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश था, उसके निर्देश पर जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी, उसके अनुसार फिर से आरक्षण की अंतिम सूची आज जारी कर दी गई है। इसमें 2015 को बेस लिया गया है आरक्षण के लिए। इसके पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें 1995 से 2015 तक का देखा गया था प्रमाण्य उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। इस बार जो है सिर्फ 2015 को बेस लिया गया है, उसके आधार पर रोटेशन के आधार पर इस बार की सूची जारी की गई है। उस सूची का जारी करने का आरक्षण करने का बेसिस यही है कि जो जिस कैटेगरी के लिए आरक्षित रही है 2015 में, 2021 में वो उस कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं रहेगी और उसके बाद जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पर उसका नेक्स्ट कैटेगरी उसको मिलेगी। सर, जो पिछली सूची जारी हुई थी 1995 के आधार पर, तो कुछ हेर फेर हुआ होगा? हाँ, निश्चित तौर से काफ़ी हेर फेर है, मतलब काफ़ी हेर फेर नहीं मतलब काफ़ी परिवर्तन है उसमें, क्योंकि जब क्राइटेरिया बदल गया है तो जो भी प्रधान का या प्रमुख का या किसी भी पद के लिए जो आरक्षण का जो आवंटन है वो बिल्कुल बदला है। बिल्कुल, आपत्ति आज कल परसों 23 तक, तो 23 तारीख तक कोई भी आपत्ति करता है, जिसको भी कोई असंतुष्टि है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। 24 और 25 दो दिन तक इनके आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 26 तारीख को इसका अंतिम प्रकाशन करके सूची जो है लखनऊ भेज दी जाएगी।